फॉरेस्ट ऑफिसर को रिश्वत के पैसे मांगना पड़ा भारी, हुए सस्पेंड। रोड पर गड्ढों की वजह से हुआ हादसा, साइकिल चालक की मौत, बाद में जागा प्रशासन। हाईवे के निर्माण में बाधा बना घर, चेक लगाकर किया गया शिफ्ट। कहां की ये खबरें हैं बताएंगे आज के जीटी रोड 10 प्रोग्राम में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। रिश्वत मांगना फॉरेस्ट ऑफिसर को पड़ा भारी। जी हां, ये घटना कर्नाटक तमिलनाडु सीमा के पास पलार चेक पोस्ट की है। यहां पर एक वन अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में दो ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने पर कावेरी वन्य जीव प्रभाग द्वारा कर्मी को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। ड्राइवरों का कहना है कि वसूली ना देने पर ड्राइवरों को गोली तक मार देने की धमकी इस वन अधिकारी ने दी थी। वसूली ना दो तो डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे आरटीओ कर्मी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक करने का नियम आ चुका है, उसके बावजूद ड्राइवरों को रोका जाता है, डॉक्यूमेंट रख लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट रखकर पैसे मांगे जाते हैं, वसूली की जाती है, ना देने पर चालान कर दिए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की ये घटना है। यहाँ पर भी ड्राइवर से 10,000 रुपए मांगे गए आरटीओ कर्मी द्वारा, ना देने पर डॉक्यूमेंट ही लेकर चले गए ये आरटीओ कर्मी। मुजफ्फरनगर आरटीओ चालान करके गया जी एनसीआर का। हाँ देखो, मुजफ्फरनगर 10 किलोमीटर इधर है, साड़ी गड्डी का धक्के 10,000 रुपए मांग रहे, धक्के का चालान कर जी इन्होंने मीरापुर। बाकी कागज तो दे जाइए, अब इसको आगे क्या दिखाऊंगा मैं। ये सभी आरोप ड्राइवर ने लगाए हैं। डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद ड्राइवरों को वहीं पर रुकना पड़ा, घंटों इंतजार करना पड़ा। सोचिए कितना टाइम उनका खराब हुआ होगा, और आगे जाकर लेट होने की वजह से फिर भाड़े की दिक्कत भी तो आती है। फर्जी तरीके से आरसी बनाकर गाड़ियां बेचने का भांडाफोड़ किया है पंजाब पुलिस ने। मारुति कंपनी की 40 गाड़ियां बेच दी गईं जाली आरसी बनाकर। आरोपी स्क्रैप डीलर और एजेंसी पर शिकंजा कस लिया गया है। रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2019 में बाढ़ आने की वजह से ये गाड़ियां डैमेज हो चुकी थी, जो एटीआर ऑटोमोबाइल राजपुरा रोड पटियाला में पड़ने वाली एजेंसी को दे दी गई थी। एजेंसी वाले ने बिना सरकार और परिवहन मंत्रालय को सूचित किए गाड़ियां स्क्रैप डीलर को सीधी डील करके बेच डाली, और उसके बाद स्क्रैप डीलर ने अलग अलग जगहों पर जाली आरसी बनाकर उन गाड़ियों को औने पौने दाम में लोगों को बेच दिया। इस तरह से इस घोटाले की सूचना पहली बार 3 अगस्त को फतेहगढ़ पुलिस को मिली। उसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कर इस पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है और सभी गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। वीडियो बनाया तो छीना मोबाइल, कहां की ये घटनाएं बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। पश्चिम बंगाल की ये वीडियो देखिए, यहाँ पर ड्राइवर को नो एंट्री बताकर रोक लिया गया इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा। 2,000 रुपए का चालान करने की बात की, लेकिन ड्राइवर इनकी वीडियो बनाने लगा, तब देखिए किस तरह से मारने दौड़े। ये देखो मेरी गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, मैंने 500 मीटर जगह है यहाँ पे, देखो ये चालान कर रहे हैं मेरा, देखो 2,000 का चालान बोल रहे हैं। मारा बोलो, नो एंट्री में घुसा बोलो। मैं वीडियो बना रहा, मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, देखो देखो बोलो नो एंट्री। देखा आपने कैसे फोन पर झपटे, साहसी ड्राइवर इनके सामने डटा रहा, आखिरकार 2,000 रुपए से घटा कर 500 रुपए का चालान इतनी बहस के बावजूद भी कर ही दिया गया। इस बार की बरसात ने पूरे देश में कहर मचा रखा है, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश और क्या हिमाचल प्रदेश, लेकिन लगता है हिमाचल प्रदेश में प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से अब कांगड़ा स्थित रेलवे चक्की पुल ढह गया है। आप देख सकते हैं भारी बरसात के बाद नदियां उफान पर है और ये पुल इस पानी की वजह से ढह गया। बताया जा रहा है कि ये पुल हिमाचल को पंजाब से जोड़ने का काम करता है और इस पुल के ढहने से यातायात काफी प्रभावित हुआ है। रोड के गड्ढे ले रहे लोगों की जान। मुंबई में एक हादसा हुआ जहां साइकिल पर सवार 55 साल का आदमी गड्ढों की वजह से गिर गया और पीछे से आए एक ट्रक की चपेट में आ गया। ये समस्या किसी एक राज्य में नहीं, देश के सभी राज्यों में है। इस घटना के बाद वहां का पुलिस प्रशासन जागा, उसके बाद अंधेरी मुंबई की ये वीडियो सामने आई
जिसमें ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ही गड्ढे भरने पड़ गए। स्क्रीन पर यह दृश्य देखिए, किस तरह से पानी की बौछारों से डंपर में लगी आग को बुझाया जा रहा है। मुंबई में किंग सर्कल इलाके में पुल उतरते हुए डंपर में लग गई आग। मौके पर दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे, ट्रैफिक को रोका गया और वाहनों को वहां से दूरी बनाने को बोला गया। वहां घटनास्थल पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन गाड़ी का नुकसान काफी हो चुका था, आप वीडियो में देख सकते हैं। गोदाहा टोला से गोविंदगढ़ शाहडोल रोड पर पुलिस कर्मियों के द्वारा गाड़ियां रोककर 500 रुपए की वसूली की जाती है, वो भी एंट्री के नाम पर। चाहे दिन हो चाहे रात, ये इसी तरह करते हैं। यहां सरेआम गाड़ियां रोककर पुलिस वाले की गाड़ी के पास चालक को पैसे देने के लिए भेजा जाता है, जिसके बारे में हमें ड्राइवर अफसर शेख ने बताया है और ये वीडियो उन्होंने ही बनाकर भेजी है। चंडीगढ़ में चलती गाड़ी में लगी आग। जी हाँ, हल्लो माजरा जो चंडीगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स के पास चलती स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। हालांकि तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचित कर बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। देख सकते हैं रोड पर किस तरह से धुआं ही धुआं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। गनीमत से किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। संगरूर जिले के रोशनवाला गांव के किसान सुखविंदर सिंह सुखी इन दिनों चर्चा में हैं और चर्चा की वजह है उनका घर। उनका आलीशान घर, जो कि करोड़ों का बताया जा रहा है, भारतमाला राजमार्ग परियोजना के अधीन जम्मू कंडा हाईवे में एक्वायर्ड होने की वजह से तोड़ना पड़ता और फिर बनवाना पड़ता, लेकिन इतना महंगा और करोड़ों की लागत से बना ये घर है, इसलिए इसे अब शिफ्ट किया जा रहा है। और शिफ्ट करने का तरीका आप देखिए, जैक लगाकर इसे शिफ्ट किया जा रहा है। 350 मीटर इसे पीछे हटाना पड़ रहा है। अब तक घर को मौजूदा स्थान से 150 फीट दूर स्थानांतरित भी कर दिया गया है। 2 महीने से ज्यादा का इसमें समय लग चुका है और लाखों का इसका खर्चा आ रहा है। घर के मालिक का कहना है कि अगर ये घर तुड़वाते तो फिर से करोड़ों का खर्चा लगता, इससे उनका खर्चा भी बच रहा है। और उन्होंने ही बताया कि मुआवजा देने के लिए सरकार कह तो रही है, लेकिन मुआवजा कम है, इस वजह से तोड़कर घर नहीं बनवाया जा सकता। आप देख रहे थे जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा, वहीं चलते हैं उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।